सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसका एक प्रकार सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। बच्चों ये जैसे आप चित्र देख रहे हो, इसके कोशिकाएं जो हैं वो कैसे होती हैं, पतली होती हैं, चपटी, चौकोर या बहुकोणीय होती हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे आप देख रहे हो, जैसे कि फ्लोर टाइल्स होती है, यानी फर्श की जो टाइल्स होती हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब सटी हुई होती हैं। ऐसे आप इससे भी देख रहे हैं, क्योंकि ये इसी तरह की दिखाई देती हैं, इसलिए इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या है, यानी ये कहाँ पाई जाएगी, त्वचा की बाह्य सतह पर और ब्लड एवं लिम्फ डक्ट्स की बाहरी सतह पर, देह गुहा के चारों ओर, कान की झिल्ली में, हृदय और फेफड़ों की एल्वियोलाई के चारों ओर भी पाई जाती है और वृक्क के चारों तरफ भी ये पाई जाती है। अब हमने इसकी स्थिति की बात की, अब हम इसके कार्यों की बात करते हैं। जैसे आप स्थिति को देखें कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उसके आधार पर हम इसके कार्यों को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने क्या बात की कि ये त्वचा की बाह्य सतह पर पाई जाती है, तो इसका काम क्या होगा, सुरक्षा का होगा। और हमने पहले भी बात की थी कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, मेजर काम जो है उसका प्रोटेक्शन का होता है। और हृदय के पेरिकार्डियम का भी ये निर्माण करती है। कान में हमने बात की थी, झिल्ली में ये पाई जाती है, यानी लेबिरिंथ के रूप में पाई जाती है और ये सुनने में सहायक होती है। वृक्क में भी ये पाई जाती है, तो ये मूत्र के छनन में भी ये काम करती है और फेफड़ों के एल्वियोलाई में भी हमने बात कर रहे हैं कि ये पाई जाती है, तो इसका काम वहां क्या होगा, गैसीय आदान प्रदान में होगा। दूसरा प्रकार सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल का मतलब आप समझ रहे हो, क्यूब, क्यूब का मतलब होता है आइस, मतलब ये कैसे होंगी, क्यूब यानी आइस के समान, और जैसे आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, यानी क्यूब कैसे होता है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई में बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सेल के बीच में केंद्रक पाया जाता है। अब इसकी स्थिति क्या है, यानी ये इसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो क्यूबॉइडल टिश्यू जो है मुख्य रूप से त्वचा के सेबेशियस ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड, लिवर में, नेफ्रॉन्स और गोनेट्स यानी जनन अंगों में ये पाई जाती है। अब जैसे हमने इसके पोजीशन को देखा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, वैसे ही हम इसके कार्यों की बात करें, तो चूंकि ये सेबेशियस ग्लैंड्स में पाई जाती है, तो सेबेशियस ग्लैंड्स का क्या काम होता है, त्वचा से पसीने को बाहर निकालना, तो इसका ये काम हो गया कि त्वचा से पसीने को ये बाहर निकालती है। यूरिनिफेरस ट्यूबल्स द्वारा ये क्या काम करेगी, फिल्ट्रेशन का काम करेगी। आप जानते हो वृक्क का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का होता है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन के रूप में, मतलब छने जाते हैं वृक्क के द्वारा और फिर वो यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं। तो चूंकि ये नेफ्रॉन्स में पाई जाती है, इसलिए इसका काम क्या होगा, फिल्ट्रेशन का होगा। और ऑयल ग्लैंड्स एंड लिवर में ये सिक्रिशन में सहायक होती हैं। गोनेट्स में यानी जनन अंगों में जर्मिनल एपिथेलियल का निर्माण होता है और इसी से आगे जो है वो गैमेट्स का निर्माण होता है। अब हम बच्चों तीसरे प्रकार यानी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। ये ऊतक जैसे आप ये चित्र में देख रहे हो, ये कैसी हैं, कॉलम के समान है, यानी स्तंभ के समान है, तो इसलिए अब हमने इसका नाम क्या बोल रहे हैं कि सिंपल कॉलमनर। तो कॉलमनर का मतलब क्या होता है, स्तंभ के समान लंबी आपको ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये किस तरह की हैं, इनमें केंद्रक जो है वो आप जैसे देख रहे हो आधारीय भाग में यानी नीचे वाले हिस्से में ये पाया जाता है और कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर बहुत सारे माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, माइक्रोविलाई का काम जो होता है वो सतही क्षेत्रफल को ये बढ़ाते हैं और मुख्यतः यदि हम ये बात करें
तो ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो जैसे हमने इसके बारे में इसका विवरण देखा, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, यानी ये इस तरह का ऊतक कहाँ मिलेगा हमारे शरीर में, तो ये एलिमेंट्री केनाल की आंतरिक सतह में और पित्त वाहिनी यानी कि बाइल डक्ट में, गॉल ब्लैडर में और यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब में, ये इस तरीके का ऊतक यानी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का ये बना होता है। अब हम इसके यदि कार्य की बात करें तो एलिमेंट्री केनाल की आंतरिक सतहों पर यदि हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं माइक्रोविलाई की, तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको वो बढ़ाता है। तो चूंकि जहां एब्जॉर्प्शन होना है यानी कि आहार नाल में इंटेस्टाइन वाले रीजन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां ये पाई जाती है और ये अवशोषण में सहायक होती है। दूसरा हम बात करें वृक्क में, ये रीअब्जॉर्प्शन का कार्य भी इसके द्वारा होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी हम जब बात करें कि ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो इसका काम क्या होगा, ये एग्स को गति प्रदान करता है यानी मूवमेंट देता है और फिर म्यूकस का उत्पादन भी इसके जरिए होता है। तो इस तरीके से ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है तीसरा प्रकार, और चौथा प्रकार है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है ये कॉलमनर या क्यूबॉइडल जो हमने अभी बात की उनका ही ये रूप होता है या उसी का ही समझ लो मॉडिफिकेशन है। बस इसमें बात क्या होती है कि इसमें जो है धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसको सीलिया कहते हैं। इनके स्वतंत्र सिरों पर महीन धागों के समान रचना आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो वो पाई जाती है और इनको हम सीलिया कहते हैं। अब ये जो है ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, ये जो है ओविडक्ट में, यूरेटर में पाई जाएंगी, मुख गुहा की म्यूकस मेम्ब्रेन में और टिम्पेनिक कैविटी में भी ये पाई जाएंगी और फिर ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की केंद्रीय नाल में भी ये पाई जाएगी और ट्रैकिया में भी ये पाई जाती है, यानी इस तरीके का ऊतक जो है वहां ये पाया जाता है। अब इसके हम कार्यों की बात करते हैं, तो ये इसके कार्य क्या होंगे, क्योंकि ये सीलिया है तो सीलिया का काम क्या होगा, ये पदार्थों को दिशा प्रदान करता है। जैसे हमने बात कर रहे हैं ओविडक्ट में, तो ओविडक्ट में एग का जो मूवमेंट है, ओवम का जो मूवमेंट है वो किसके जरिए हो रहा है, वहां जो सीलिया है उसके जरिए हो रहा है। ट्रैकिया में ये म्यूकस को फेरिंग्स की ओर धकेलता है, तो वहां ये इसका काम यहाँ भी क्या हो गया, मूवमेंट का काम हो गया। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो ये कैविटी में पाया जाता है, तो ये संचरण को बनाए रखता है यानी ट्रांसमिशन। आप जैसे देख जान रहे होंगे कि ट्रांसमिशन क्या होता है, संवहन का यानी कि संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, तो वहां भी ये जो है ये सीलिया जो है इस तरीके का काम करते हैं। पांचवा जो एक प्रकार है यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है कॉलमनर एपिथेलियल का मॉडिफिकेशन है और ये किस तरह की होती हैं, ये कोशिकाएं जो है अत्यंत घने रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिससे इनका आकार जो है प्रॉपर यानी आकार कहा जाए वो दिखाई नहीं देता। आप जैसे ये देख रहे हो कि कहीं पर ऊपर हिस्से में आधारीय भाग चौड़ा है, कहीं पर नीचे में ये चौड़ा है, कहीं पर ऊपर में सकरा है, तो ऐसा एहसास होता है कि ये जो है एक से ज्यादा स्तर के बने हुए हैं। लेकिन हमने पहले भी बात की थी कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसे होगा, वो एक स्तरीय मोटा होगा यानी एक ही लेयर होगी, एक ही सतह वाला होगा। तो चूंकि ये इस तरीके का दिखाई देता है इसलिए इसको जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ये कहां पर पाए जाएंगे इस तरह के ऊतक, ये जो है ट्रैकिया में, नेजल चैम्बर में, जेनिटल डक्ट्स में, मेल यूरेथ्रा में और फेरिंग्स में इस तरीके के ये ऊतक पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होगा,
ये ऊतक जो है रक्षात्मक आवरण के साथ साथ समान का भी कार्य ये संपादित करते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे प्रकार यानी संयुक्त एपिथेलियल टिश्यू यानी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की थी कि ये कंपाउंड टिश्यू किस तरीके का होगा, एक से ज्यादा लेयर, जैसे आप ये देख भी पा रहे हैं अनेक स्तरों में ये व्यवस्थित होता है। और ये जो लेयर्स हैं यानी ये जो सतहें, ये एक के ऊपर एक पाई जाती हैं। और पेमेंट मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली सबसे निचली स्तर की जो कोशिकाएं हैं ये आकार में बड़ी होती हैं, आप जैसे देख रहे हो, और स्तंभाकार और सजीव होती हैं यानी लाइव होती हैं। और ये चूंकि यहाँ पर क्या होता है, हमेशा विभाजन होते रहता है, जैसे हमने यहाँ बात की ना, ये कई लेयर्स में होती हैं, तो नीचे की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, बड़ी हैं और सजीव हैं, यहाँ पर हमेशा क्या होता रहेगा, विभाजन होता रहेगा। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो कैसे होती हैं, छोटी होती हैं, चपटी होती हैं, और इवन आखिरी जो सतह होती है वो कोशिकाएं मृत यानी डेड सेल्स होती हैं। इसको आप लोग कई जगह महसूस भी करते होंगे, जैसे कि हमारे सिर में, बालों में, आपने कभी रूसी को देखा होगा तो वो जो ऊपर वाला जो स्कैल्प है यानी जो बाहरी परत है वो क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। तो धीरे धीरे नीचे की कोशिकाएं कहाँ जाती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है, नीचे का विभाजन होते रहता है और ये ऊपर की तरफ यानी बाहरी सतह की तरफ ये बढ़ती जाती हैं। तो ये चूंकि सतह में पाई जाती हैं तो ये हमारी, हमने पहले ही बात की है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं त्वचा में। अब आप ये सोचिए कि कहीं पर हम ये बात कर रहे हैं कि एक सतह है और कहीं पर हम बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा सतह भी इस एपिथेलियल टिश्यू की पाई जाती है। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि क्यों कहाँ पर इस एपिथेलियल टिश्यू को सिंगल लेयर की जरूरत है और कहीं पर इसको मल्टी लेयर की जरूरत है, तो इसके आगे हम बात करेंगे। तो इस तरीके जो ये कंपाउंड टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, यानी ये मुख गुहा में, त्वचा की एपिडर्मिस में, इजोफेगस में, नेजल कैविटीज में और म्यूकोसा में, इस तरीके से ये वाली कोशिकाएं वहां पाई जाती हैं। अब इसका दूसरा जो प्रकार है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। और ये ऊतक भी किस तरीके के होंगे, जैसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू थे उसी तरह के ही होते हैं, लेकिन इसमें जो आधारीय यानी बेसल जो पार्ट है वो जो जर्मिनल लेयर है यानी जहां पर विभाजन होता है उसका अभाव होता है, और इसके बाह्य स्तर पर केराटिन भी नहीं पाया जाता है। और बाह्य स्तर की जो कोशिकाएं हैं ये क्या हो जाती है, मरकर अलग हो जाती हैं, मरकर अलग नहीं होती हैं। जब ये तनी हुई स्थिति में होती हैं तो ये अनेक स्तरों की दिखाई देती हैं, और जब ये सिकुड़ी रहती हैं तो ये कई स्तरों का बना होता है। तो ये इस तरह के कि आप कंडीशन सोच के देखिए ये कहाँ पर किस जगह पर इस तरह के ऊतक पाए जाते होंगे, तो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में इस तरह की ऊतक जो है वो पाए जाते हैं। आप जानते हो जब यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है, यूरेटर से जो है वो यूरिन जो बनता है किडनी में, जो छनता है वो यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में जमा होते जाता है, लेकिन जब एक प्रेशर यानी एक जब दबाव बन जाता है यानी वो भर जाता है तब वो फैल जाता है या फूल जाता है कह लें, तो यहाँ पर ये इस तरीके का यानी ये दबाव वाला क्षेत्र है वहां पर ये इस तरीके की कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है ये। अब हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, यानी ये कैसे होंगे, ये विशेष प्रकार के होते हैं और कुछ विशेष कार्य करने के लिए ही ये रूपांतरित होते हैं। और असल में हम ये देखें तो ये संयुक्त या सरल उपकला ऊतक का ही ये रूपांतरण होते हैं, और ये कई तरह के होते हैं। जैसे हमने इसके प्रकारों की पहले भी बात की थी, इसके फ्लो चार्ट को हम देख लेते हैं कि ये पहला जो है
सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू है, फिर पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू है, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल टिश्यू एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो पहला जो प्रकार है यानी सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहाँ पाया जाएगा, ये उन उत्तकों की कोशिकाओं के किनारे पर होगा जहां पर सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं। अब सेंसरी हेयर्स का काम क्या है, संवेदनाओं को ग्रहण करना, और ये संवेदनाओं को ग्रहण करके ये न्यूरॉन जो फाइबर्स हैं उनसे जुड़ जाते हैं, और फिर ये जो न्यूरॉन्स हैं यानी तंत्रिकाएं हैं उन तक संवेदनाएं पहुंचाते हैं, और तंत्रिकाओं से संवेदनाएं जो है वो कहाँ पहुंचेंगी, तंत्रिका तंत्र तक पहुंचेंगी। तो ये चूंकि स्पेशल काम किसी एक उत्तक के द्वारा किया जा रहा है इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, हम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू कह रहे हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है वो पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू है। अब पिगमेंटेड का मतलब आप समझ रहे हो जहां पर ये पिगमेंट्स पाए जाएंगे, जैसे एक आप जानते हो हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट पाए जाते हैं, तो इस तरीके का और पिगमेंट जो है वो रेटिना के आधार में भी पाया जाता है। तो ये हो गए स्पेशल टाइप के यानी पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा जो है वो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू है। ये कहाँ होंगे, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का ही रूपांतरण है। क्यूबॉइडल का मतलब आप समझ गए होंगे। अब ये क्यूब के आकार की जो कोशिकाएं हैं माने उन कोशिकाओं का जो समूह है वो क्यूब के आकार का है, और ये हमेशा क्या होंगे, विभाजित होते रहते हैं, और विभाजित होकर गैमेट्स का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि गैमेट्स का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस और ओवरी में होता है। टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में इस तरीके का उत्तक पाया जाएगा यानी जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, और ऐसे ही ओवरी की दीवार पर भी पाया जाता है जहां पर ओवम का निर्माण किया जाता है। एक और स्पेशल टिश्यू की बात करते हैं जो है एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल टिश्यू। ये एब्जॉर्प्टिव मतलब एब्जॉर्प्शन का काम, हमने जैसे पहले बात की थी कि कहीं पर सिंगल लेयर की जरूरत पड़ती है, कहीं पर मल्टी लेयर की जरूरत पड़ती है। अब जैसे हम बात करें कि स्किन से पसीने को बाहर निकालना है यानी त्वचा से पसीने को बाहर निकालना है तो इजी गोइंग होना चाहिए, तो इसलिए वहां पर किस तरीके का लेयर होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ऐसे ही हम जब बात कर रहे हैं कि फेफड़ों में जो गैसीय आदान प्रदान हो रहा है, अगर वहाँ मल्टी लेयर होगा, यदि वहाँ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होगा तो क्या होगा, वहाँ गैसों का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चूंकि कहीं पर जरूरत के मुताबिक जो है सिंगल लेयर रहती है, और जहाँ जरूरत ज्यादा लेयर की है तो वहाँ वो मल्टी लेयर में है वो एपिथेलियल टिश्यू। पर हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से कौन से हिस्से में सिंगल लेयर है और कहाँ पर जो है वो मल्टी लेयर है। जैसे हमने एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल टिश्यू की पहले भी हमने बात की थी, तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है यानी वहाँ सिंगल होगा जब ये काम अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो ये कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में, आंत में और नेफ्रॉन्स में। नेफ्रॉन्स में भी क्या हो रहा है, वहां ब्रिक के द्वारा मूत्र बन रहा है, और वो वहां ब्लड में जो फिल्ट्रेशन का जो काम हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये स्पेशल टाइप का काम करते हैं, और ये एब्जॉर्प्टिव जो है सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन में ये सहयोग करते हैं। एक और हम स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं, ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये जो है स्वतंत्र सतहों पर पाया जाने वाला रूपांतरित क्यूबॉइडल भी हो सकता है, और ये कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू का भी रूपांतरण हो सकता है, और इसमें कई तरह के ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो फ्लो चार्ट, इसमें दो तरह की है, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय ग्रंथि है, और दूसरा है मल्टी सेलुलर यानी बहु कोशिकीय। अब आप इतना जान रहे हैं कि एक कोशिकीय माने एक कोशिका ही जो है वो ग्रंथि है, और वो ग्रंथि जो है वो क्या काम करेगी, सिक्रिशन का काम करेगी, और जहां हम बहु कोशिकीय बात कर रहे हैं तो वहां पर
एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर वहां उस ग्लैंड का निर्माण कर रही हैं। तो पहले वाली जो है यानी यूनिसेलुलर जो है वो एक कोशिका ही होती है। इसका आकार कैसा होता है? सुराही के समान, आप जैसे देख रहे हो। और ये कहाँ पाई जाएगी? त्वचा में और म्यूकस मेम्ब्रेन में पाई जाती है। इनको हम लोग गॉबलेट सेल्स भी कहते हैं। और ये और कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? तो गॉबलेट सेल्स को आप याद करिए कहाँ पाया जाता है, स्टमक में और फिर लंग्स में और इंटेस्टाइन में भी ये इस तरीके की ग्रंथियां पाई जाएंगी, यानी जहां केवल एक ही कोशिका वो ग्रंथि है यानी वो ग्लैंड है। अब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं यानी मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय ग्रंथि की। ये अनेक कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। अब इसके भी आप प्रकार हैं, जैसे पहला प्रकार क्या है? एल्वियोलर। अब फिर यहाँ आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि एल्वियोलर की बात कर रहे हैं, सेकेंड में आप देख रहे हो कंपाउंड एल्वियोलर, थर्ड में आप देख रहे हैं ट्यूबुलर एंड फिर कंपाउंड ट्यूबुलर, फिर आप देख रहे हो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स। सो मच कंफ्यूजन है ना। तो अब हम एक एक करके इस सबको क्लियर करेंगे कि इसके नाम के आधार पर जो है वो आप उसके नाम के आधार पर उसकी पहचान कर पाएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके कार्य को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे हमने पहले बात की एल्वियोलर टिश्यू की, तो ये जो ग्लैंड है मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, एल्वियोलर मानी कुपिका के समान। कुपिका, अब यहाँ जैसे आप पिक्चर देख रहे हो ओनली वन कुपिका, ओनली वन एल्वियोलाई है, तो एक ही कुपिका है इसलिए ये एल्वियोलर हो गया। अब नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे कि इसमें एक से ज्यादा कुपिकाएं हैं, एक से ज्यादा कुपिकाएं हैं तो इसलिए उसको क्या कह दिया गया है, कंपाउंड एल्वियोलर स्पेशल टाइप का ये ग्लैंड्स है। तो कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ एक से ज्यादा एल्वियोलाई उपस्थित हैं। तो जो सिंपल यानी एक ही कुपिका वाला है उस तरीके की ग्रंथियां जो हैं वो थैले के समान होती हैं और बाहर की ओर एक ही छिद्र के द्वारा खुलती हैं। तो ये इस तरीके का जो एल्वियोलर ये जो टिश्यू, ये जो ग्लैंड है वो कहाँ पाया जाएगा, ये मेंढक की त्वचा में पाया जाता है। दूसरा हमने बात की कंपाउंड एल्वियोलर की, जहां ज्यादा कुपिकाएं हैं ये सब जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स में ये पाई जाती हैं। फिर तीसरा जो है ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर का मतलब आप समझ रहे हो ट्यूबल के समान यानी कि नलिका के समान। तो ये कहाँ पाई जाएंगी, ये इंटेस्टाइन में और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। अब हम फिर इसके बाद नेक्स्ट की क्या बात कर रहे हैं, कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। कंपाउंड का मतलब आप समझ रहे हो कि एक से ज्यादा यदि नलिकाएं वहां प्रेजेंट हैं तो हम इसको कंपाउंड कह दे रहे हैं, संयुक्त कह दे रहे हैं। तो ये अनेक नलिकाकार शाखाएं होती हैं जहां ये संयुक्त रूप से, जैसे हमने पहले भी बात की थी, ग्रंथियां जो हैं एक छिद्र के द्वारा ही बाहर ओपन होती हैं। तो यहाँ भी वही बात है कि अनेक नलिकाएं तो हैं लेकिन कॉमनली एक ही छिद्र के द्वारा ये बाहर खुलेंगी। और ये कहाँ पाई जाएंगी, मनुष्य की त्वचा में पाए जाने वाली जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है, यानी कि कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स का। अब हम एक और प्रकार की बात करते हैं, वो है कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड्स, है ना। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि एक तो हमने बात की कंपाउंड की और दूसरी हम बात कर रहे हैं ट्यूबुलो एल्वियोलर। इसका मतलब है कि इसमें ट्यूबल्स भी होंगे और इसमें एल्वियोलाई भी होंगे। तो ये जैसे जिस तरीके की ग्लैंड्स है, ये इसमें ट्यूबल्स एवं एल्वियोलाई ग्लैंड्स साथ साथ में पाई जाती हैं। और ये अब कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स हैं, कूपर्स ग्लैंड्स हैं एंड बर्थोलिन ग्लैंड्स में ही पाई जाती हैं। अब एक बात और गौर करते हैं, सिक्रीशन के आधार पर भी ग्लैंड्स के प्रकार होते हैं। सिक्रीशन मतलब जो ग्रंथियां श्रवण, जो जूस का, जो रस का स्राव करती हैं, उसके आधार पर भी ये होती हैं। तो ये हैं एपिक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। एपिक्राइन क्या है, बहुत सरल सा इसको समझने का तरीका है। इन तीनों ग्रंथियों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे।
अब पहले वाला जैसे आप प्रकार देख रहे हो कि इसमें जो है स्राव यानी जो स्रवित हो रहा पदार्थ है वो उसके अग्रभाग में एकत्रित हो जाता है और फिर स्वतंत्र भाग से ही ये परासरित हो जाता है, जहां पर जरूरत रहती है ये स्राव जो है वो चला जाता है। दूसरा जो प्रकार है एपोक्राइन का, इसमें भी आप जैसे चित्र देख रहे हो कि अग्रभाग में ही स्राव एकत्रित हो जाता है, लेकिन उस ग्रंथि का कुछ हिस्सा यानी वो वाला हिस्सा जहां पर ये स्राव बना था ये उसके साथ चला जाता है, यानी स्रावी कोशिका का अग्रभाग भी उसके साथ आगे चला जाएगा जहां इसकी जरूरत है। तीसरा है होलोक्राइन, ये जो है ग्रंथियां स्रावी पदार्थ से यानी जहां स्राव हो रहा है उससे ये भर जाती हैं और ये खुद स्रावी पदार्थ यानी वो ग्रंथियां ही जो टारगेट प्लेस है वहां पर ये चली जाती हैं। तो ये सिक्रीशन के आधार पर हमने बात की कि एक आपका एपिक्राइन है, एपोक्राइन है और होलोक्राइन है। होलो का मतलब पूरा होल फॉर्म में वो चले जा रहा है, स्रावी पदार्थ ग्रंथि का ही भाग वो चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं स्रावित पदार्थ के आधार पर, यानी स्रावित पदार्थ क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके आधार पर बात करते हैं। तो ये भी तीन तरह के हैं, यानी म्यूकस ग्लैंड्स है, ये म्यूकस ग्लैंड्स आप इसको भी इसको महसूस किए होंगे, म्यूकस जहाँ गाढ़ा पदार्थ निकलता है तो स्रावी पदार्थ गाढ़ा एवं प्रोटीन युक्त होता है, ये गॉबलेट एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाया जाता है। तो वहां से जो पदार्थ निकलता है वो कैसा होता है, गाढ़ा होता है और प्रोटीन युक्त होता है। और फिर सीरस ग्लैंड्स है, यहाँ पर सीरस यानी तरल रूप में निकलता है, ये है सीबेशियस ग्लैंड्स। तीसरी है मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब है म्यूकस एंड सीरस, यानी वो तरल रूप में भी हो सकती है और दोनों रूप यानी गाढ़ा एवं प्रोटीन युक्त पदार्थ भी और तरल रूप में भी। तो इस तरीके से है पैनक्रियाज है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो ये हमने बात की कि स्रावित पदार्थ के आधार पर। अब हम एक और तरीका यानी एक और जो प्रकार है उसकी बात करते हैं, वो है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। हमने पहले भी बात की थी कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ एक और एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। तो यानी श्रवण कहाँ किस तरीके से हो रहा है उसके आधार पर भी इनके प्रकार होते हैं। तो जैसे कि एक्सोक्राइन है, इसमें क्या हो जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं के द्वारा ही इसमें स्राव जो है वो बहता है यानी फ्लो होता है। तो ग्लैंड्स का जो स्राव है यदि नलिकाओं के द्वारा बाहर आ रहा है तो ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि इंटेस्टाइन ग्लैंड्स हैं और टीयर्स ग्लैंड्स हैं, वो एक्सोक्राइन है। और ऐसे ही दूसरा इसका प्रकार जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पैनक्रियाज जो है जैसे वो दोनों तरीके का काम करता है, यानी एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन यानी कि सीधे सीधे इनका जो स्राव है वो ब्लड में आ जाता है। तो ये बहुत सारे ग्लैंड्स की हमने बात की है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, थाइमस ग्लैंड्स है, टेस्टिस एंड ओवरी ग्लैंड है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो बच्चों आपने अभी जैसे देखा एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार की हमने बात की, उनके पोजीशन की बात की, उनके फंक्शन की बात की। तो इस तरीके से ये एपिथेलियल टिश्यू जो हमने बात करने की, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पूरी त्वचा में पाया जाता है। इसका काम क्या है, मेजर काम इसका प्रोटेक्शन का है, एब्जॉर्प्शन का है और सिक्रीशन का है। अभी जैसे हमने ग्लैंड्स की बात की थी, ग्लैंड्स में सिक्रीशन होता है स्रावी पदार्थों का, और एब्जॉर्प्शन की बात की थी जहाँ पर एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्री कैनाल में या और जगह में। तो इस तरीके से ये जो उपकला ऊतक है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है, इसका हमने पूरी जानकारी इसकी हमने इसके बारे में हमने जाना। अब हम इसका जो दूसरा प्रकार है यानी कि संयोजी ऊतक है, उसके क्या प्रकार हैं, उसके क्या काम होंगे, उसके क्या उनकी क्या लोकेशन होगी, हम अगले भाग में इसको देखेंगे।